मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में जो बच्चों का पेपर हुआ था उसका हम यहां पे आंसर की देखेंगे। जल्दी से देखते हैं फटाक से कुल कितने क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं और कुल कितने नंबर आपके आने वाले हैं, फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी होगा। देखिए यहाँ पे मैं फटाक से क्वेश्चन और आंसर बताते जाऊंगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके आप अपना चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज के लिए। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं मेरे तरफ से परफेक्ट है, बट अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन लगता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने ऑप्शन को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, दूसरे का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल सही होगा, तीसरे का बी हो जाएगा, चौथे का यहाँ पे डी हो जाएगा, पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, सिक्स की अगर बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सिक्स का ए, इस चीज को याद रखिए, सिक्स का ए, सेवन का ए, ठीक है। अगर मैं एट की बात करूं तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, नाइन की अगर बात करूं तो बी ऑप्शन, टेन की बात करूं तो ए ऑप्शन, ठीक है। इलेवन देख लेते, इलेवंथ का बी हो जाएगा, ट्वेल्व का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट थर्टीन का अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्टीन की बात करूं तो ए ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्टीन की बात करूं तो ए ऑप्शन, सिक्सटीन की अगर बात करूं तो बी ऑप्शन, सेवनटीन का हो जाएगा सी, एटीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, नाइनटीन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्वेंटी की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्वेंटी वन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी टू का यहाँ पे ए ऑप्शन, ट्वेंटी थ्री का बी ऑप्शन, ट्वेंटी फोर का ए ऑप्शन, इस तरीके से आपका पार्ट वन कंप्लीट हो गया। अब मैं पार्ट टू की बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर 25वें की अगर बात करूं तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 26वें की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो सभी जो बच्चे यहां पे नए हैं उन बच्चों के लिए मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि जितने भी पेपर हुए इन सबके आंसर की अवेलेबल मैं करवाता हूं। अच्छा इसके साथ साथ बच्चों को सैंपल पेपर देना, ठीक है, और पेपरों की तैयारी करना, हर एक चीज आपको विकास स्टडी पॉइंट पे मिलता है। तो इसी वजह से आप चैनल पे नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कुल कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा 26 की यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 27 की बात करें तो सी ऑप्शन, 28 का ए, 29 को अगर हम देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 30 की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन, 31 डी ऑप्शन, 32 का ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही राइट। नेक्स्ट 33 की अगर बात करूं तो ए ऑप्शन, 34 का बी ऑप्शन, 35 का डी ऑप्शन, 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 37 का अगर मैं देखूं तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 38 की अगर बात करूं तो ए ऑप्शन, 39 का डी ऑप्शन, 40 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 41 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 42 का सी ऑप्शन, 43 की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 44 का डी ऑप्शन, 45 की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 47 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेक्स्ट 48 का ए ऑप्शन, इस तरीके से पार्ट टू जो है वो कंप्लीट होता है, पार्ट थ्री स्टार्ट होता है। 49 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बी ऑप्शन राइट देखने को मिलेगा, 51 की अगर मैं बात करूं जिसमें मैचिंग करने वाला है यानी कि मिलान करने वाला है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 52 की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 53 की बात करूं तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, 54 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा,
और लास्ट क्वेश्चन 55 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था आंसर की जहाँ पे आपने अपने आंसर शीट को मैच किया होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से आपने मैच किया होगा, और कुल कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। एक चीज मैं और बता दूं कि ये मत समझिएगा कि जो स्कूल में जो आंसर की मिलता है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, कभी काल ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा या फिर जो भी आंसर आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपने तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ, और बाकी वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सैंपल पेपर और उसके आंसर की के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।